हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ चौली के पत्तों की सब्जी बनाना। ये देखिए, ऐसे दिखते हैं चौली के पत्ते। तो हमने इनको स्टेम से अलग करके अच्छे से वॉश करके छन्नी में डाल दिया ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। और मैंने इसमें डाली है 3-4 2 हरी मिर्चें बारीक काट के, दैट्स ऑप्शन। अगर आप नहीं चाहें तो मत डालिए। तो ये मैंने तेल लिया है, नो दिस इज़ नॉट रिफाइंड नॉर मस्टर्ड, दिस इज़ लिनसीड ऑयल, सॉरी फ्लैक्सीड ऑयल, लिनसीड बोल रहे हैं। तो ये जो फ्लैक्सीड ऑयल है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा, अगेन द हींग इज ऑप्शनल। मैं नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा तेल यूज़ कर रही हूँ इसमें, दैट्स हाउ आई हैव सीन माय मॉम कुक एंड वी रियली लव द टेस्ट। ऐड सम हल्दी, और अब जो है हम फटाफट करेंगे अपना स्टेप। ये मैंने लाल मिर्च डाली और मैं फटाफट अपनी पत्ती डाल दूंगी ताकि वो लाल मिर्च जले नहीं। अगर हम लाल मिर्च डाल के थोड़ी देर के बाद ग्रीन डालेंगे, इतने में वो पूरी लाल मिर्च जल जाएगी। और ये मैंने अपनी पत्ती डाली, इट विल टेक फॉर 2-3 मिनट्स, ये सारा इसमें श्रिंक हो जाएगा अभी लीव्स कुक होते, और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ध्यान रहे, जब आप इसका पानी निकाल लें, अच्छे से धो लें, तो इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लें। लेट इट लीव इन द छन्नी फॉर एटलीस्ट 1/2 hour, तो इट विल बिकम वेरी ड्राई एंड नाइस। दो इट माइट लुक कि काफ़ी बड़ी कढ़ाई है और थोड़ी ज़्यादा छोटी कढ़ाई है, पर ये अभी सूझ जाएगी। मैं फुल कर देती हूँ गैस और ये कुक होते ही एकदम थोड़ी सी बन जाती है सब्जी। तो ये देखिए सब्जी कितनी कम हो गई है, अभी जैसे ये कुक होती है ये एकदम से श्रिंक हो जाती है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इन ग्रीन्स को ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए, 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ रेडी हो जाता है। हाँ, उनको साफ करने में 2 घंटे लगते हैं, दैट्स अनदर थिंग। तो ये मैं डाल रही हूँ धनिया, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल रही हूँ क्योंकि वो तड़के में ना जल जाए, इसे मैंने कम डाली। अब हम इसमें डालेंगे नमक, ग्रीन्स में ऑलरेडी नमक होता है तो आप थोड़ा सा कम ही डालें। ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अमचूर फ्लेवर के लिए, दिस इज ऑप्शनल, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। सो आई कुक ऑल माई ग्रीन्स लाइक दिस, जैसे चौली की पत्ती है, कल मैंने वो रेड वाली चौली जो होती है वो यूज़ की थी, रेड अमरंथ लीव, और मेथी है। तो हम उसे ऐसे ही माई मॉम कुक्स इट बट विद लॉट ऑफ ऑयल ताकि वो तैरता हुआ दिखे, दैट्स हाउ माई डैडी लाइक्स इट। बट क्योंकि मैं कम ऑयल में बना रही हूँ, मेरा ऑयल तैरता हुआ नहीं दिखेगा। तो अब मैं इसे अच्छे से मसाले सारे मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और पूरी की पूरी सब्जी है तैयार। ये अगर आप अच्छे से ड्रेन कर लेंगे तो बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तेल डालना है क्योंकि इफ़ यू वांट टू ईट लाइक द मारवाड़ी, सो ज़्यादा तेल डालिए ताकि आपको तैरता हुआ उसका तड़का दिखे, बट कम तेल में ऑल्सो इट टेस्ट इक्वली गुड आई थी। तो ये रही मेरी तरफ से हरी चौले के पत्तों की सब्जी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस, थैंक यू।